कैसे हैं गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत हमारे फिर से नए ब्लॉग में। आशा करते सब लोग अच्छे हों, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि आपको पता ही होगा, मुझे ड्रेस दिख रही होगी। तो आज मैंने व्यासुदेव भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। और मेरा व्रत तो नहीं है, बट पूजा कर लेंगे। पहले हम रहते थे, फिर उसके बाद हमने दो चार रहे, फिर उसके बाद हम भूल गए थे। भूल क्या गया था कि बीच में हमने बंद कर दिया था कि कहीं कुछ लगा रहता है। तो फिर आज से हमने स्टार्ट किया। आज व्यासुदेव भगवान है, आज व्यासुदेव भगवान की व्यासोद्धार है। तो आज मैंने पीला पहन रखा है, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा पीला सूट पहन रखा है। तो अभी हमने पूरा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। सुबह सुबह उनकी सुबह जल्दी नहा लिए थे। नहाने के बाद मंदिर गए पूजा करने, घर पे किया पूजा, तो उस भी हो गया टाइम। तो शायद 10 बज रहा है। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और अभी बस जा ही रहे हैं पूजा करने। और मम्मी को बुलाया था कि मम्मी से हमने पूरा पूछ लें थोड़ा बहुत, क्योंकि हमको शायद नहीं इतना पता हो, क्योंकि हमने बहुत पहले किया था, तब से हम की नहीं है। तो अब सोचने करने के लिए इतनी मेरा मन आ गया कि हम भी व्रत, मेरी भाभी ने आज से स्टार्ट किया ना, तो भाभी जब भाभी ने किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि हमको भी करना चाहिए। तो हमने भी स्टार्ट कर दिया आज से, मतलब कि व्रत रहें या ना रहें, लेकिन हम पूजा करेंगे। हर बृहस्पतिवार को पूजा करेंगे। व्रत रहना इतना वो नहीं है, बट पूजा हम करेंगे। हर बृहस्पतिवार को जल चढ़ाएंगे और जो पूजा जितनी भी विधि होती है हम पूरी विध से पूजा करेंगे। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मेरी हमने ये भी बिछा लिया, ये पेड़ है और ये पूजा की थाली। इसमें हमने इसमें बल्कि चींटी भी हो गई है, पता नहीं कैसे। ये देख सकते हैं, दो लोई मम्मी ने बनाई है। और ये केला भी है, हल्दी, गुड़, ये जल है। बृहस्पति भगवान की व्रत कथा की किताब है, माचिस, ये पीला चंदन है और ये दूल, और ये चावल, ये दो फूल हैं। और ये हमें समय भी चढ़ाना पड़ी, समय चढ़ाना नहीं है, बस ऐसे ही थाली में रखी है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि हमको चढ़ाना है, ठीक है। ये धूप बत्ती है, ये घी का दिया है। और ये देख सकते हैं, केला का पेड़ चढ़ गया, बहुत बढ़िया। हाँ आ रही, स्टैंड ले लें, स्टैंड रख के वीडियो बन जाएगा ऐसे ही। भगवान चुहा हाथ में लगे चलने अभी
बस किताब बाँच में है। दिया भी हमने जला दिया ये। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वो बड़ा ताकती और दानी था। वह नित्र गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान की पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गया हुआ था तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय वृषभदेव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गया और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा कि हमारा धन नष्ट हो गया जाए, फिर ये रहेगा वंश न बजी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहती हो, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन हो तो भूखों को भोजन दे, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाएं हैं, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाएं, जो निर्धन कदली फल में ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरण तुम्हें अंतरयामी जगत पिता जगदीश, तुम सबके स्वामी ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निजन रमल सब पालक हरता स्वामी। ऐसे कर ऐसे ऐसे उल्टा बस। अब भगवान काटते थे पट्टा से पता लो करो से याद रख दो दोबारे हाथ रख देती हूँ जल चढ़ाओ और नमन करो। निकल आई है बहुत ज़्यादा। अब कोशिश कर रहे हैं कि हर बृहस्पतिवार को पहले सुबह जल्दी उठ के और पहले पूजा ही करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना काम हम करेंगे। वैसे काम हम कुछ नहीं किए हैं, सुबह से बस उठे हैं, नहा के बस पूजा ही स्टार्ट कर दी हमने। तो फाइनली पूजा मेरी हो चुकी है बृहस्पति भगवान की और अब करेंगे सारा काम, जो घर का सारा काम होगा वो काम करेंगे और देख तो क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूजा किताब। ये गाय को लोहे खिलाने जा रहे हैं। यहाँ नहीं है बहुत बगल में बड़ी माँ दादी क्या है उन्हें क्या कहते हैं। ये काफ़ी दूर गाय माता हैं, यहाँ पे गाय माता बंधी हैं और इनके यहाँ तो गेट लगा है। बड़ी बात नहीं, हम खोल के चले जाएंगे। ओह ये किलो लो खा लो, ये कम खाती है, ये नहीं ज़्यादा खाती हैं, ये खा लेती हैं, ये खाने में थोड़ा फास्ट है। जय हो गैया माता। ये नहीं खाती, इसको वो इतना डरती है जैसे हम कुछ कर रहे हैं। भैया तो छुआ लो भैया, एक उसकी है, ये गाय माता की है। ये पहले ऐसे घूमती थी बट अभी इन्होंने दादी लोगों ने बांध लिए ना तो हमको यहीं आना पड़ता है बांधने के लिए। गुजे 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 सर भैया को खिलाया है, अब जाएंगे खाना खाएंगे। खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा भूल गई, 12 बजने वाला तो खाना खाने के बाद मिलते हैं लोगों को। और ये भाई ने अभी फिंगर मोमोज और कबाब पराठा ये सब भाई ने सोच लिए लगाने के लिए, चौराहे पे लगाएंगे। तो देखते हैं अगर अब ये रात में खीर बनाई गई थी, रात में इसमें अमृत गिरा है। रात में इसमें अमृत गिरा था और कैसी हो गई। देखो भाई खा चुके हैं और मम्मी खा चुकी हैं
अब हम जा रहे खाने, हम भी खाके अमर हो जाएंगे, फिर हम मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। कल रात में बना के छत पे रखी गई थी, बहुत धूप लग गई गाइस। अब राष्ट्रपाल को पहले पूजा, बाद में कोई काम। मैं लाइट बंद करती, देख रहे। तो भैया इतनी हमने भी खीर ले ली है, खा लेते हैं फिर मिलते हैं। इतने बर्तन भी धुल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बर्तन, बर्तन ही धुल रहे हैं। वरना किचन विचन तो मम्मी ने साफ सब साफ कर दिया है, और बस बर्तन ही इतने धुले हैं बस। आज तो मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस बर्तन इतने धुले हैं, और मेरा अपना कमरा रूम सही करना है, और सारा काम हो चुका है। तो हेलो गाइस, और क्या हो रहा है। तो दोपहर में बहुत ज़्यादा हमने आराम कर लिया, दोपहर में तो हम ब्लॉग ही नहीं बना पाए, बिल्कुल ही नहीं बना पाए, बिल्कुल बोल ही गए थे कि हम ब्लॉग ही बना रहे थे। तो बस अभी जस्ट उठे हैं, और शाम के 5 बज चुके हैं। आज बहुत अच्छा मौसम है, ये देखो अंकल जी हैं तो वो अपनी मकाई उठा रहे हैं, मक्का। शाम की मेरी झाड़ू लगने जा रही है, तो अभी हम झाड़ू लगाएंगे, फिर बर्तन धुलेंगे जो मेरा शाम का काम होता है, फिर उसके बाद खाना पीना, मुझे चाय भी बनानी होती है, और फिर उसके बाद खाना पीना, फिर चौका बर्तन, मुझे जो भी होता है वो अपना हम सब कुछ करते हैं। तो अब मम्मी मरते उस वाले घर चली गई हैं, ताऊ जी के यहाँ मंदिर अंदर गेट खोलने चली गई होंगी, तो अब हम भी जा रहे हैं। अंधेरा अंधेरा आ रहा बहुत ज़्यादा, झाड़ू तो लग गई मेरी, किचन में आ गए हैं। रानी किचन के जो जितना काम होता है इतने ही बर्तन है, झाड़ू धुल रहे हैं। सबसे पहले अभी हम चाय बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे शाम की चाय पत्ती, थोड़ी सी पहले इग्नोर कर देना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बट पता नहीं क्यों वहाँ अंधेरा अंधेरा सा बहुत ज़्यादा लग रहा है, मौसम कुछ बादल टाइम में है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। अदरक भी डाल लेंगे, अब तो सर्दी आ रही है, मुझे अदरक की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो ये गाइस चाय हमने चढ़ा दी, शाम की चाय। तो गाइस शाम की चाय मेरी रेडी होने वाली है अभी। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं, तो आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि हम इसके आगे हम ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारा प्यार देना, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।